रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है. Whereas if you are in touch with the spirit of the thing and the reason why something is what, why is this, why के साथ कनेक्टेड होंगे तो आपको आजाद कर दे. A little about Hastonese, it is a forum that promotes discussions and dialogues on spirituality or intellectual traditions. इसके नाम से भी पता चल रहा है कि हस्तोनीस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कपलेट ऑफ रूमी और इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस विच बेसिकली इनकैप्सुलेट्स द होल एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ऑनेस्टली आई फील सो ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस यू एंड ऑल ऑफ अस फील सो प्रिविलेज टू हैव यू विद अस टुनाइट. सो फॉर दोज हु माइट नॉट बी फेमिलियर, ही इज ए सीनियर आर्किटेक्ट एट कामिल खान मुमताज आर्किटेक्ट्स. He holds an MA in South Asian Design and Architecture from the Montfort University, USA. And he did his Bachelor's of Arts from NCA Lahore. Thank you. Thank you. Dissertation ke liye Ahmed apa. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Indeed, in the creation of heavens and the earth and the alternation of the day and night, there are signs for people of reason. Those who remember Allah while sitting, standing and lying on their sides and reflect on the creation of heaven and earth and pray, Our Lord, you have not created all of this without purpose. Glory be to you, protect us from the torment of fire. Our Lord, indeed, those you commit to the fire will be completely disgraced and the wrongdoers will have no helpers. Our Lord, we have heard the caller to the true belief proclaiming, believe in your Lord alone. So we believe, our Lord, forgive our sins, absolve us of our misdeeds and join us with the virtuous when we die. Our Lord, grant us what you have promised us through your messengers and do not put us to the shame on the day of judgment, for certainly you never fail in your promise. Bahut shukriya Faraz aur aapki team, aapne daawat di, bahut khushi hui aur jo aapne jis मकसद से फ़नून का इंतखाब किया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं समझता हूँ. यानी कि जो एक तरह से थियोरेटिकल साइड है वो तो आपकी बात, आपसे मेरी बात हुई थी उसमें लग रहा था कि थियोरेटिकल साइड पे तो ज़ाहिर है काफ़ी आप करते हैं, मगर ये भी कहा गया है कि जो सराउंड करते हमें, जो इन्वायरमेंट या जो है वो भी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईमान की नशोनुमा के लिए और उसकी सपोर्ट के लिए. जबकि हम बहुत हल्का लेते हैं अपनी इन्वायरमेंट को ना, इतना कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अल्लाह मियाँ को तो मानते हैं. तो ये खैर अलग बहस है मगर इससे रिलेटेड भी है. और अभी जो आपने आयत पढ़ी ना, वो कई दफ़ा सोचता हूँ कि इसको भी इस बहस में लाना चाहिए, मगर वो शायद आती अगर हम डायरेक्टली कुरानिक कॉस्मोलॉजी पे आज बात करते, जो हम नहीं कर रहे हैं, मगर जो बात करूँगा वो आएगी तो कुरान से ही. मगर ये जो कोटेशन है ये वाली, ये मदरसों में 1960s तक एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, यूक्लिड, हिसाब पढ़ाया जाता था. मैं भी ऐसे टीचर्स से मिला हूँ और उनके मदरसे में बुक्स देखी हैं, मगर 50s-60s के बाद ये जाहिर है एज अ सोसाइटी वी डिडंट सपोर्ट ऑल ऑफ दैट, तो वो इलेक्टिव में चले गए. अभी भी कुछ आप लोगों को पता होगा मदारस हैं जहाँ ये साइंसेस पढ़ाई जाती हैं. तो बट ये वाली आयत कोटेड है, पहले दो पेज अक्सर उसके शेयर करता हूँ. इट्स अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी रिटन बाय एन आर्किटेक्ट, से फैमिली ऑफ शाहजहाँ पीरियड आर्किटेक्ट, रॉयल आर्किटेक्ट. तो उसमें वो ये कोट करते हैं, कोई भी कल्चर होता है वो अपनी जो नॉलेज इज़ नॉट न्यूट्रल, ये बहुत बड़ी फैलेसी है जो हम समझते हैं कि मैथ्स तो मैथ्स है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, साइंस तो साइंस है. मेरा नहीं ख्याल ऐसे बिल्कुल भी है. तो उसको हम इलस्ट्रेट ये करते हैं कि वो स्टडी तो फिज़िकल एस्ट्रोनॉमी रहे,
मगर उसको सिचुएट कर रहे इन 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 व्यू ऑफ व्हाट नॉलेज इज फॉर एंड इन अ लार्जर वर्ल्ड व्यू इन अ कॉस्मोलॉजी पर्पस होता है ना किसी चीज़ का, तो उस हवाले से वो कभी आपसे शेयर करेंगे, तो क्योंकि किसी मुझे लगता है इससे रिलेटेड है, इसके कंक्लूजन से शायद रिलेटेड है, तो उसमें वो कह ही रहे हैं, क्योंकि मैं आज आपको आप बहुत से शायद लोग वाकिफ ही होंगे, मगर एक वर्ल्ड व्यू से आगाह करना चाहूँगा कि अगर किसी भी कल्चर का कोई भी फैसेट है, द आर्ट्स आर द मोस्ट ऑब्वियस फैसेट, वो तो एक्सप्रेस करता है, मगर जो भी आर्ट्स होते हैं, आर्किटेक्चर होता है, वो अपने कल्चर या सिविलाइजेशन की बुनियादों को या उसके वर्ल्ड व्यू को एक्सप्रेस कर रहा होता है, यानी कि ये जिस इस तरह अगर है तो ये इसकी एक हिस्ट्री है, इसको पीछे चलते जाएं तो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद पर पहुंच जाएंगे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे यानी कि अपनी इसमें एक हिस्ट्री है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है इसमें कोई ऑर्नामेंट नहीं है, बेसिकली एक फंक्शनल चीज़ बनाने की कोशिश की है, इसमें कुछ सिफात हैं, एक स्लिकनेस है, एक मैसेज है। तो वो कहना चाह रहा हूँ कि हर कल्चर की जो प्रोडक्शन होती है वो उस कल्चर के अल्टीमेट वर्ल्ड व्यू में रूटेड होती है, ये तो आप लोग जानते हैं। असल में कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले इसका आज हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, क्लासिकल इस्लामिक आर्ट्स का कोई मकसद, कोई ये तो नहीं कि अच्छे लगते हैं तो इसलिए हम सुनने क्यों होते हैं। आई थिंक ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन इस्लाम का एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनका इसका क्लासिकल इस्लामिक आर्ट्स का ताल्लुक़ इस्लाम की रूह से है। और मसला हमारी सोसाइटी का ये है कि हम जैसे मैं हूँ, मेरा एक जिस्म है मगर मेरी एक रूह भी तो है ना, आप मेरे जिस्म में काट दें कर दें कुछ भी नहीं पता चलेगा, जितना मर्ज़ी डिस्क्राइब कर ले मुझे आप नहीं जान सकेंगे। तो इस्लामिक आर्ट सबसे ज़ाहरी चीज़ है ना, दिस इज़ द मोस्ट एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, बट इट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट इंटरनल। इस हाइपोथेसिस में बात कर रहा हूँ, इसको मैं इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि मिस्त्री उठे उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ होल इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। ये एक मिसाल आपको दी है, ये फैमिली ऑफ मुगल पीरियड आर्किटेक्ट्स हु वर एट द टॉप ऑफ द इंटेलेक्चुअल मिल्यू ऑफ द प्लेस, दे वर मोर टीचर्स देन आर्किटेक्ट्स। औरंगजेब की बेटी ने उनसे कहा मुझे आप ये रिसाला लिख दें, तो बाबा जी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम टू बिजी विद माई टीचिंग। ही डिडंट घास डाली, ही वॉज अ रॉयल आर्किटेक्ट। बट ये भी हम समझते हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ वो विदाउट उसके नीचे फाउंडेशन एक नॉलेज बेस होती है किसी भी कल्चर में, आपको शायद पता है कि नहीं पता, मजीर खान मस्जिद वॉज अ यूनिवर्सिटी, इसलिए उसमें वो सेल्स बने हुए, और उसमें से सारा जो उसका मवाद था वो ब्रिटिश इंडिया ऑफिस ब्रिटिश लाइब्रेरी में पढ़ा है, डब्बों में बंद। दो पाकिस्तानी स्कॉलर्स उस पर PhDs करना चाह रहे थे, कीन तो नहीं उन्होंने, मगर वो कोई आ गया, आप लोग जाए करना चाहे टू लुक एट दैट मटेरियल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेडागोजी एजुकेशन, क्योंकि उसमें मार्जिनल नोट्स होते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो भी सोच होती है कल्चर की उससे बड़ी गहरी तौर पर लिंक्ड होती है। और क्योंकि ये रिलीजन सोसाइटी है तो ज़ाहिर है ये रिलीजन से ही रिलेटेड है, और हमारा ताल्लुक जो रिलीजन से है उसमें ये कुछ मददगार हो तो फ़ायदा है ना। और मेरे ख्याल से जो मॉडर्न आदमी है हम जैसा, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हम इस दुनिया को खुदा से, क्योंकि हमारे लिए खुदा का होना जो है वो गिवन है जो बिलीव करते हैं, तो उनके लिए चैलेंज ये है कि खुदा को और दुनिया को कैसे वो कनेक्शन कैसे होगा। तो बस ये थोड़ी सी तमीज थी, अब मैं अपनी टॉक की तरफ आता हूँ, इसे आप जहन में रखिएगा। तो सिंपली जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें दो ही चीज़ें हैं सच पूछें तो, के बेसिकली माय इलस्ट्रेशंस वुड बी अबाउट इस्लामिक आर्ट
और मैं उसकी शुरू में ही आपको बता दूं ताकि इसमें वो इतना कोई मुश्किल नहीं है कि इस्लामिक आर्ट को हम जिस तरह देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं क्लासिकल ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्ट कि उसमें इट्स ऑलवेज कनेक्टेड टू अ यूज़ अ फंक्शन देयर इज़ नो आर्ट फॉर आर्ट सेक यानी खुस्सा जूती भी बनेगी तो जूता है पहले है फिर उसकी खूबसूरतियाँ फिर उसकी क्राफ्टमैनशिप है फिर उसका डिज़ाइन है सही है ना कपड़े जो हमारे टेक्सटाइल्स होते हैं कारपेट्स होते हैं बर्तन होते हैं ट्रेडिशनल जो हाथ से बने होते हैं तो दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू अवर यूज़ इस पे दिस इज गोज विदाउट सेइंग सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट सेकेंड इज के नॉर्मली द फॉर्म्स आर सिम्बॉलिक सिम्बलिज्म बहुत अहम है वो भी हम देखेंगे उसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आर्किटेक्चर की और ये सारे जो आर्ट्स हैं ट्रेडिशनल इनकी इन अ सेंस पूरी एक लैंग्वेज इज़ अ गुड मेटाफोर फॉर द ट्रेडिशनल आर्ट्स दे ऑल हैव अ ग्रामर आपको तो पता है आप खताती सीखते हैं आर्किटेक्चर ऑल्सो हैज़ अ ग्रामर देन इट हैज़ वर्ड्स एंड देन इट हैज़ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रजेंटिंग इट ब्यूटिफुली कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो ग्रामर या फॉर्म है वो सिम्बॉलिक होती है अमूमन फिर ज़्यादा मैं फोकस करूँगा लास्ट थर्ड पॉइंट पे विच इज़ द फॉर्मल ब्यूटी ऑफ थिंग्स उसको बहुत एक तरह से अच्छा लफ्ज जमाल भी इस्तेमाल किया जाता है मगर जो उसके एसेंस का इजहार करता है वो हारमोनी है तो हम वो कुछ इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा द प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी यानी कि हारमोनी ब्यूटी बस ये दूसरा पे पॉइंट ये होएगा नेचुरली कि भाई जो भी इसमें अगर ये प्रिंसिपल्स वगैरह हैं तो क्यों हैं तो उधर वो जो मैंने शुरू में बात की थी वो अहम हो जाती है कि क्योंकि कायनात का एक नज़रिया है कि इफ़ द वर्ल्ड और द कॉस्मोस इज़ क्रिएटेड बाय क्रिएटर इट इज़ सो इट हैज़ एंड वो भी जो आपने आयत पढ़ी थी कि वो रात और दिन के आने जाने पर गौर करते हैं और जो इन्होंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी आगे जाके बताते हैं ये कौन लोग हैं जो गौर करते हैं उसमें वो कहते हैं कि ये दिल वाले हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं चलते हुए बैठते हुए और साइडों पे बड़ी मशहूर आयत है तो ये रूहानियत है ना दिस इज़ द वेरी डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी ये जो सिफात बताई हैं मगर उसको जोड़ा किस चीज़ से स्टडी ऑफ द फिज़िकल कॉस्मोस और वो उसमें क्या देखते हैं उसकी हारमोनी देखते हैं तो ये भी उसकी इलस्ट्रेशन है सो कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट के अगर ये हमारी जो फॉर्म्स है उनमें हारमोनी और ब्यूटी है तो उसकी सोर्स अल्टीमेटली द इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है विच सेज दैट द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड बाय क्रिएटर एंड इट इज़ अ कॉस्मॉस कॉस्मॉस का मतलब होता है हारमोनियस एंड प्रोपोर्शनेट क्रिएशन इसका ऑपोजिट होता है केओस इसलिए कॉस्मेटिक्स जो लगाते हैं वो ब्यूटीफाई करने के लिए होते हैं और इससे भी पीछे फिर आप कहेंगे जिस पे हम है कि भाई व्हाई इज़ देयर हारमोनी इन द क्रिएटर्स क्रिएटर सवाल करते जाए ना तो व्हाई क्रिएशन ये आएगा ना तो वो फिर हम देखेंगे कि जो क्रिएशन है मैं आपको समरी सारी पहले बता रहा हूँ देन वील जस्ट सी द इलस्ट्रेशंस और उसकी कुरानिक रूट्स दिखाता चलूँगा या जो भी कि क्रिएशन इज़ ब्यूटिफुल एंड ट्रू एंड मीनिंगफुल बिकॉज इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्रिएटर ये याद रखिएगा आप वील टॉक अबाउट इट इन अ मोमेंट तो बस ये दो ही पॉइंट्स हैं कि इस्लामिक आर्ट जो है उसका जो एक कॉम्पोनेंट है वो ब्यूटी है या हारमोनी है इमाम गजाली कहते हैं तनासुब उस पर हम आएँगे तनासुब मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी एज द एसेंस ऑफ ब्यूटी सो वी से दैट दिस इज बेस्ड इन इस्लामिक कॉस्मोलॉजी एंड इनफैक्ट जस्ट इन ह्यूमन नेचर ये क्योंकि हमारे अंदर भी रूह है ना वो उधर से ही आई है इमाम गजाली भी यही कहते हैं कि जो समा है या कवाली है या जो स्पिरिचुअल म्यूज़िक है कीमिया सआदत में कहते हैं उस पर एक चैप्टर है समा पे तो वो
और वैसे शादी भी यही कहते हैं कि अगर तुम पूछो ये हराम है हलाल है, मुझे बताओ कौन सुन रहा है। अगर लड़की सुन रहा है तो उसकी रूह को टच करेगा और रूह का ताल्लुक ऊपर रूहानी दुनिया से कर देगा। फिर गजाली कहते हैं कि उसमें ये जो मूवमेंट पैदा होती है, अच्छे आदमी में अच्छी मूवमेंट पैदा होती है, तो वो इसलिए होती है कि द सोर्स ऑफ ब्यूटी, बिकॉज म्यूज़िक इज़ ब्यूटीफुल, अच्छा म्यूज़िक इज़ पैराडाइज बेसिकली, एंड द एसेंस ऑफ ब्यूटी इज़ प्रोपोर्शनैलिटी। वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तनासुब। तो ये कनेक्शन हो गया आलम बाला का और इस दुनिया का थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ हारमोनी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। काफ़ी बातें हो गई हैं ना। अब इस टॉक का नाम हमने हकीकत और मजाज रखा था, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इस पर मैं अब आपसे क्या कह सकता हूँ। मेरे ख्याल से हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, ये भी खुद ही हो जाएगा। सर एक सवाल। हाँ प्लीज। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह एसेंस ऑफ ब्यूटी है एंड रिगार्ड ऑफ ब्यूटी है, हाँ, तो मैंने जितनी लाइक सूफिज्म पे और इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी पे किताबें कुछ पढ़ी हैं, तो उनमें भी मतलब यही बात होती है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल रूमी को देख लें, तो हिज पोइट्री लाइक टॉक्स अलॉट अबाउट एडमायरिंग ब्यूटी विच रिमाइंड यू ऑफ अल्लाह ताला, राइट? लेकिन देयर इज दिस अ बिट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम इस्लाम में उसके बारे में बात नहीं की जाती। वो मेन स्ट्रीम इस्लाम नहीं है, वो अब मेन स्ट्रीम हो गया है क्योंकि हम रूह से बहुत दूर चले गए। तो जब रूह नहीं होगी तो क्या बचेगा? खोल ही बचेगा ना, जिस्म बचेगा। तो उस पर हम जितना लड़ते हैं, क्योंकि दैट्स ऑल वी, अच्छा आप कहें इस पर बात कर सकते हो या अभी आपका सवाल चल रहा है? मेन स्ट्रीम इस्लाम जिसको आप कह रही हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कहीं से भी मेन स्ट्रीम नहीं है, वो हम पढ़े लिखों के लिए होता जा रहा है। इसकी खैर बहुत बड़ी क्रिटिक है, ये जो भी है मैं उसको एक इस्तारे के ज़रिए बयान करता हूँ कि हुआ ये है, थैंक्स टू सर सैयद एंड आर फोर फादर्स हु एट दैट टाइम इन द 19th सेंचुरी थॉट के वी हैव टू हैव मॉडर्न एजुकेशन एंड वी ट्राई टू कट आर सेल्फ फ्रॉम 1000 ईयर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल हेरिटेज विच इज स्टिल अलाइव। मगर आपकी मेरी ऐनक ऐसी पहन ली है कि वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी ने कहा ना कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में आम पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी गोर को के लिए जो हज़ार साल की फारसी की इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन है वो है ही नहीं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो कहती है सबाल्टर्न के दे हु डोंट हैव अ वॉइस, तो वो होते हुए नहीं है। तो ये हमारे हस्तनीस का मकसद यही है कि जो है उसको प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए तो है ही नहीं। मतलब ज़बान की वजह से मसला है। और बट वी हैव अ रिच सो मच सो दैट द 1000 ईयर्स ऑफ फारसी प्रोडक्शन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ मोर देन व्हाट हैपेंड इन द सेम पीरियड इन ईरान। दिस वाज सम, इट वाज नॉट ओनली मटेरियली वन ऑफ द रिचेस्ट places on earth, but it was also intellectually one of the richest places on earth, which you and I have no consciousness of. ये आप देखें क्या बड़ा सानिया है। मगर हम जैसों के लिए, अब हम लोग बहुत से ऐसे हैं जिनको ये महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है, तो हमारे लिए तो एक डिस्कवरी की इतनी खूबसूरत जर्नी है कि आप सोच नहीं सकते। मकसद क्या है कि हम तो जो हमें नज़र आता है वहीं से शुरू होते हैं ना, और ये हर इंसान का होता है कि व्हाट जो बिग क्वेश्चंस है ना अबाउट एनीथिंग, अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट गॉड, तो वो सारे आंसर्स हमें, जिस किसी ने कहा ना जो ये हमारी जैसी सिविलाइजेशंस हैं दे आर एज इफ अस्लीप ऑन अ ट्रेजर, उधर ही है, कहीं भी नहीं गया, मगर हम तो सो रहे हैं। और वो गहरी नींद सुना दे में सर सैयद वगैरह, वो पूरी जनरेशन का हाथ है। तो हुआ क्या कि हमारी जो एजुकेशन थी वो उसने अपना मोड़ लिया चेहरा, तो हम डॉक्टर वगैरह वगैरह बन गए, ठीक हो गया ना, फंक्शनल एजुकेशन ख़त्म कर लूँ कि एजुकेशन का फोकस हो गया ऑन फंक्शनैलिटी,
और घर से हमें वी आर स्टिल अ ट्रेडिशनल, हमारा मकसद यह है कि वी आर अ स्किज़ोफ्रेनिक कल्चर, आर माइंड्स आर ट्रेंड इन द वेस्टर्न मॉडल. और वैसे मैंने कहा कि नॉलेज इज़ नॉट न्यूट्रल, इट ब्रिंग्स विद इट अ होल वर्ल्ड व्यू एंड एपिस्टेमोलॉजी. खैर लंबी बात हो जाएगी, एक मिसाल वैसे दूंगा क्योंकि कल की टॉक से वो लिंक करेगी. तो जहन जो है वो फंक्शनल मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहा है, जो दिल है जो एहसास है वो घर से तो वैल्यूज सारे रिलीजियस एंड दूसरी मिली हुई हैं. अब वो जो रिलीजियस वो तो एक तरह का एहसास है और एक फेथ है, ब्लाइंड फेथ है, ये उसमें नहीं है. तो जब उसको कोई टच करता है तो हम इमोशनली भड़क उठते हैं क्योंकि हमने उसको कभी रिजॉल्व ही नहीं किया माइंड एंड हार्ट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेथ. तो ये हमारा मसला है. बात कहाँ से शुरू हुई थी, आपके सवाल से. तो मेन स्ट्रीम में ज़ाहिर है ऐसे नहीं था, कभी भी नहीं था. ये इसकी हिस्ट्री तो 100-150 साल है जो आप बात कर रही हैं, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम और इवन लेस. नहीं कि ये तो आप रिलीजियस सोसाइटी में ये इसको क्वेश्चन, इसको आप इसकी खोज लगाए ना, क्योंकि दिस इज़ आर एग्जिस्टेंशियल रियलिटी. हर बंदे में ये दो हिस्से हैं. तो ये जो इंटेलेक्चुअल चैलेंज है दैट इज़ द रियल चैलेंज. नमाजें पढ़ा पढ़ा के थोड़ी यानी कि जो अब क्या खैर. तो मैं बात कर रहा था कि जब दीन को उसके आउटवर्ड फॉर्म पे कर देंगे जो कि अहम तरीन है कि भाई ये है, इससे हटे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो बड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है. वेयर एज इफ़ यू आर इन टच विद द स्पिरिट ऑफ द थिंग एंड द रीज़न वाई समथिंग इज़ वॉट, वाई इज़ दिस, वाई के से अगर कनेक्टेड होंगे तो वो आपको आज़ाद कर देगा. आप किसी भी अच्छे बड़े यानी कि जो पब्लिक में नज़र आते हैं वो नहीं, जो समझदार कोई मुफ्ती से बात करे तो बल्कि मैं तो कहता हूँ वो मेरे बेटे के स्विमिंग कोच थे, वो फाइनल ईयर बड़े अच्छे नेशनल लेवल के स्विमर थे, तो वो अपना फाइनल वो एग्ज़ाम दे रहे थे मदरसे का. तो उसका वो जो होती है ना वो की वाली बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स, वो पढ़ के तो इतना अच्छा लगा कि ये मसला है, इसमें इमाम मालिक ये कहते हैं, इमाम ये कहते हैं, ये कहते हैं. तो मैं कहता हूँ कि मैट्रिक में वो पढ़ा देना तो हम झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे. वी हैव ऑल द रिसोर्सेज बट देर इज़ अ गैप बिटवीन द मदरसा एंड द यूनिवर्सिटी. द मदरसा इज़ डिमिनाइज बिकॉज ऑफ ऑल द मौलवीज हु बिकम पोलिटिसाइज्ड व्हिच हु हैव नथिंग टू डू आई थिंक विद इवन विद रिलीजन. वो जो वो मगर जो हमारा इंटेलेक्चुअल पूरा एक निज़ाम है हो नहीं सकता ना कि तो आप यहाँ तो when you reduce religion to its outward form then there are problems. तो which is not the norm at all. कोई body जो है रूह के बगैर तो हो ही नहीं सकती. ये बड़ा ख़तरनाक situation में हम पहुँच गए ना, इसलिए कि तुम तो नॉन मुस्लिम हो गए तो मार देंगे कुछ भी हो जाए. अजीब absurdity की हद है, यानी कि ये तो है ही नहीं ना. But that's not our tradition. ये एक अलग बहस है, इस पर बात होनी चाहिए. मैं तो ऐसे लेमैन की तरह ही बात कर रहा हूँ, एज आर्किटेक्ट हूँ. तो हम आर्किटेक्चर की तरफ आते हैं. आपका क्या सही कोई आप क्या कह रहे थे? हाँ ये नहीं नज़र आता ना, मैं तो कह रहा हूँ ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसको आना चाहिए नज़र. बिकॉज वी हैव लॉस्ट इस पर अभी नहीं करते बात. हाँ जब मैं दिखाऊंगा तो फिर पूछिएगा कि कुछ क्लियर हुआ कि नहीं. हाँ जी मैंने ये पूछा था कि इसे क्वेश्चन से रिलेटेड था कि आपको लगता है कि ये जो सर सैयद वगैरह ये जो एक दौर आया जिसमें हमने बिल्कुल लाइक इस हमारा बिल्कुल माइंड सेट चेंज कर दिया गया, ये आपको लगता है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर से चेंज किया गया या फिर उससे पहले हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था और तब फिर जब मुसलमान ने किस बुरी हालत में था तब उन्हें साइंस वगैरह तरफ लाया गया? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है हमारे पास आर्ट एंड आर्किटेक्चर से हम लोग पहले एक ऐशो इशरत के दौर में चले गए
जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना हमारे पास आर्ट रही, ना हमारे पास साइंस रही, और फिर खैर उसके बाद हम लोग भी लाइक असफलसाफली में चले गए, एंड देन फिर एक दौर है, फिर सर सैद ने वैसे मुझे लखन लाइफ सही, लेकिन आपको लगता है कि जिस दौर में वो थे शायद बेस्ट सोल्यूशन ये बचा था, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है जब साइंस वगैरह के साथ चल रहे हो, तो आपके ख्याल से उस वक्त आर्ट एंड आर्ट बची थी जब जिस दौर में सर सैद आए? देखिए, सर सैद की नीयत बहुत अच्छी थी और जो उन्होंने किया वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक किया, हमारे बड़े भी उसी उसमें थे, कोई इससे बड़ी उज़्मा नहीं है, उस वक्त जो माहौल था उसमें उन्हें यही समझ में आया, और सबसे बड़ी बात यह कि वो लोग बहुत मरूब थे वेस्टर्न कल्चर के बिकॉज ऑफ इट्स फिज़िकल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स एंड एवरीथिंग इंडस्ट्रियल लाइफ, उससे वो बड़े चकाचौंध थे, हिंदू भी मुसलमान भी, तो वो एक अजीब मामला है, जबकि जो पूरा इंटेलेक्चुअल जो हमारा ट्रेडिशन था वो बहुत ठीक ठाक था, हर ट्रेडिशन हर फील्ड में लोग थे, और लोगों अब लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, यंगस्ट स्कॉलर्स कह रहे हैं हमें क्या स्टोरियाँ बताई गई हैं, ये तो ब्रिटिश प्रोपेगेंडा ही कहें, वो किसी को वो कर रहे थे, काबिज़ हो रहे थे तो उनको बहुत बुरा दिखा रहे थे, ये नहीं कि बुरी बातें नहीं थीं, उस पर असल में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बहुत गहरी बहस हुई, जो इनिशियल कॉलोनाइजर्स आए थे दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड वेरी सपोर्टिव ऑफ द इंडिजिनस, लेटनर की रिपोर्ट पढ़ लें, संगे मिल ने छापी है, लेट पे भी है, पहला पेज पढ़ लें तो आप घूम जाएंगे, कह रहे हैं कि पंजाब की बात कर रहे हैं कि ऑल द साइंसेस ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स ग्रामर रूमी हर चीज़ पंजाब बहुत ज़्यादा तगड़ा इंटेलेक्चुअली एंड आर्टिस्टिकली बहुत कमाल जगह थी, 1840 लास्ट में आए ब्रिटिश, तो लेटनर ने स्टेट ऑफ एजुकेशन इन द पंजाब, ये लेटनर की रिपोर्ट है, उसने कहा इसको कुछ टच ना करो, तो बड़ी बहस हुई पार्लियामेंट्स में, जो समझते थे तो दो धड़े थे, कुछ लोग कहते थे यार तो बहुत कुछ है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, दूसरे कहते थे नहीं ये तो एक अलमारी में फिट आ जाएगा, ये सारे उल्टी फजूल बातें हैं, सुपरस्टिशन हैं, क्योंकि वहाँ ये भी चल रहा था 19th सेंचुरी में, तो उन्होंने बस, तो बाद में वो रोता भी रहा कि ये क्या किया तुम लोगों ने, उन्होंने क्या किया, वसीफ़े काट दिए अरबी पढ़ाने वालों के, पूरे निज़ाम के जड़ें काटना शुरू की वो खुद ब खुद ही, तो वो आप पढ़े ना लेटनर रिपोर्ट, पंजाबी में ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें थी हर मौजू पर। जी महकूम हो गए ना उसका, आप सुन देखें तो वो पूरी स्टोरी वो भी पढ़नी चाहिए, वो कौन सी है जिसमें शाह आलम की पूरी स्टोरी है, वो डैलरिम्पल की वो जो हिस्टोरिकल वो है, हाँ हाँ उसकी है ना, एक जो सीरीज इस कैओटिक दौर की है वो उसमें नज़र आता है सारी डिसइंटीग्रेशन, और कैसे वो थोड़े से थे कैसे एक को दूसरे से ब्राइबरी से और हर हरबा एज इफ दे हैड नो मॉरल्स, यहाँ पे तो जंग के भी कुछ आदाब थे ना, कोई शिवलरी थी, कुछ ये था कुछ वो था, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था अल्टीमेटली, तो वह उसमें बहस स्टोरी, इधर से सरसों के बम चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस साइड के मिलिट्री कमांडर को ख़रीदा हुआ है, तो चला तो बम रहा है मगर उसके अंदर सरसों भरी हुई, तो वो एक पढ़े अभी, दैट्स व्हाट वी शुड बी रीडिंग इन हिस्ट्री, हम पता नहीं क्या करते, मगर सॉरी ये बात इधर से उधर हो गई, मगर एक शेर जस्ट टू लाइटन अप, ये है जनाब अकबर अलाहाबादी 1921 to 1846, ये सर सैद के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे और क्रिटिक थे, मगर उस ज़माने में क्रिटिक भी इतने अदब से करते थे ना, सर सैद बुरा मानते थे क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज़्यादा ये तो पढ़े लिखे थे, और ब्रिटिश वो सिविल सर्विस में भी थे और अपने ट्रेडिशनल भी सारा इनको आता था अरबी फारसी ये वो, तो अभी जो बातें हो रही हैं, हर एक को है ज़माने में ज़िंदगी मकसूद, किसे खबर है कि मकसूद ज़िंदगी क्या है, एक और बड़ा अच्छा शेर है, अभी जो बात हो रही है पहले उस पर पढ़ लूँ, छोड़ दे लिटरेचर को अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ तर्क कर स्कूल जा,
ये वो लम्हा है जब ये हो रहा था ना 19th सेंचुरी 1880s 1890s तो ये वो लोग हैं जो देख रहे थे कि आगे इससे होगा क्या. इनके वैसे नेट पे आप पढ़िएगा बहुत फार रीचिंग. ही वॉज सीइंग द चेंज इन कल्चर एंड एवरीथिंग. चार दिन की जिंदगी है कोफ्त से क्या फ़ायदा, खा डबल रोटी, क्लर्की कर खुशी से फूल जा. तो क्लर्क ही बना लेना. जब लम्स शुरू हुआ था तो क्या कहते हैं उसको, क्या होती है वो डिग्री, MBAs उसके लिए मशहूर था. तो क्लर्क्स ही है, इसमें कोई शक तो नहीं है, कोई थिंकर्स तो नहीं पैदा. अब शुक्र है सोशल साइंसेज आ गई. नहीं मगर ये कर रहे हैं ना कई लोग दूसरी चीज़ें. नहीं तो प्रॉब्लम है ना यार. चले जी सर. आपने स्टार्टिंग के अंदर जो आर्ट की डेफिनेशन दी है कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट इज, मतलब आर्ट कम्स आफ्टर अ प्रीरिक्विजिट ऑफ, एक ऑब्जेक्ट भी बन जाता है उसकी खूबसूरती के लिए यूजुअली जो होता है वो आर्ट. वाह वाह वाह. ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त मैं फ्रेशमैन हूँ, मैंने इस कोर्स लिया और एक आर्ट हिस्ट्री था उसके अंदर मैम नतराय ही इज अ वेरी वेटरन आर्ट हिस्टोरियन एंड शी गिव द डेफिनेशन ऑफ आर्ट एज, मतलब कि आर्ट की जो कैनन डेफिनेशन है ना इज एक्चुअली not utilitarian, मतलब वो किसी यूटिलिटी के ऊपर नहीं होती. लाइक फॉर एग्जाम्पल उसकी ऑब्जेक्टिव यूज नहीं होता, तो इट्स आर्ट जो बनता है वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन के तौर के ऊपर, उसका कोई मतलब ऑब्जेक्टिव यूज नहीं होता. लेकिन आपने कहा है कि जिस तरह चप्पल चप्पल का यूज होता है उसको, लेकिन उन्होंने वो इस डेफिनेशन के मतलब थोड़े खराब थी कि मतलब खराब थी कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आर्ट इज मतलब. ये बहुत आपका अच्छा सवाल है. ये जो है ना, ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है जो आप बात कर रहे हैं, वैसे तो रेनेसांस से ही शुरू हो जाता है, ह्यूमनिज्म से शुरू हो जाता है, मगर अल्टीमेटली आके जो डेकार्ट ने साइंटिफिक मेथड हमें दिया, आप शायद जानते हो कुछ लोग, जिस पे साइंस खड़ी है, जो हमें क्लास 9 में सीनियर कैम्ब्रिज की फिजिक्स की बुक के शुरू में ही था कि गैलीलियो ने क्या, गैलीलियो और डेकार्ट दोनों ने यही बात की कि ये जो चीज़ें वो कि भाई कोई ऐसा मेथड में बनाओ कि जो डाउट फ्री हो. उसका फेमस है डेकार्ट का, एनी डेकार्ट 1600 में थी, यहाँ ताजमहल बन रहा था, वो दुनिया को तबाह करने के स्कीम में सोच रहा था, इस तरह भी देखा जा सकता है. तो उसने सोचा कि इंसान अपने, उसने कहा अकल से ऊपर तो कुछ है नहीं, अब मैं ऐसा अकली बुनियादें इल्म की बनाऊं कि जिसमें कोई गलती का इहतमाल ना हो. तो उसने फिर वो फेमस साइंटिफिक मेथड की बुनियाद डाली कि जो हमें दिखता है उसमें दो पहलू हैं, एक पहलू इसका रंग है, शेप है, इसकी सिफात हैं, और एक इसका मैटर साइड है. उसने कहा ये सारी सिफात वगैरह है ना, ये सब्जेक्टिव है. तो हमें स्कूल के 9th के सीनियर कैम्ब्रिज की बुक में था कि डंडी को पानी में डालो तो टेढ़ी नज़र आती है, सो यू कांट डिपेंड ऑन योर आइज़. तो ये बहुत बड़ा स्टेप था इंसानियत के लिए कि उसने कहा कि जो देयरफॉर द क्वालिटीज़ आर सब्जेक्टिव, दे हैव नो ऑब्जेक्टिव वैल्यू. Only thing that is without any doubt is that which is measurable. तो इससे scientific method की बुनियाद पड़ी. ये बिल्कुल artificial है, आपको भी ये लाल नज़र आ रहा है, मुझे भी लाल नज़र आ रहा है. अगर objectivity ना हो तो language ही नहीं हो सकती. तो it was a huge philosophical flaw, but it opened the gateway for the whole scientific enterprise which is based on pure materialism. तो इस पर कल डॉक्टर अब्बास जो है ना सही वाली क्रिटिक करेंगे इसी पॉइंट पे, एंड हाउ इट क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो प्रूव्स द ओल्ड कॉस्मोलॉजी स्टैंड्स कंफर्म्ड मोस्ट प्रोबब्ली बिकॉज ऑफ द व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स. बहुत खूबसूरत वो है, और भी बहुत सी चीज़ें, लेट्स सी व्हाट ही सेज. अब मेरे ख्याल से बहुत होगी, किसी और दिन और बातें करेंगे. तो अब हम देखते हैं, बाद में सवाल आप कर सकते हैं. इरादा मेरा बिल्कुल नहीं था, मगर होना ऐसी चाहिए छोटी गैदरिंग में कि. अच्छा जी,
तो इस पे मैंने बात ही नहीं की मजाज और हकीकत, मगर जितनी बातें कर चुका हूँ उससे आपको समझ आ जाएगी कि जो बेसिक इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी और बहुत यूनिवर्सल विद इन आवर सिविलाइजेशन इज दिस कॉन्सेप्ट कि मजाज के पर्दे में हकीकत से पर्दा उठता है. मजाज के व्हाट यू सी इट इज़ लाइक अ मेटाफॉर. ऐसे पढ़ दूँ इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन, यानी कि वो क्वालिटी को आप अलग नहीं कर सकते, हकीकत से आप दूर हो जाएंगे. क्या समझे कि जो नज़र आ रहा है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल है और नॉलेज गिविंग है. तो हमें ये 300 साल में बाकायदा उस अननेचुरली वो आंखें हमसे ले ली गई हैं, हमें डार्क ग्लासेस पहना दी गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा डार्क हैं, तो ताकि हमें सिर्फ हकीकत कोट एंड कोट, हकीकत क्या है, मैटर, मजाज, असल के बजाय एतबारी वजूद. एतबारी वो होता है जो किसी चीज पे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ना हो. असल के बजाय एतबारी वजूद जो हकीकत ना हो, हकीकत अगर खुदा है तो ये वो हकीकत तो नहीं है. हकीकत के बरक्स मुराद आलम जाहिर या मादी दुनिया है. तो डेफिनेशन में पूरा वर्ल्ड व्यू है. हाउ डू यू लुक एट द क्रिएटेड वर्ल्ड, दैट इट इज़ सम हाउ डिपेंडेंट ऑन द डिवाइन एंड इट इज़ नॉट एज रियल एज द डिवाइन, बट एट द सेम टाइम इट इज़ कायम मकाम है. कि इट मैंने कहीं पर इसकी बड़ी मैं आपको सही तरह बता दूँ, क्योंकि लफ्ज़ों के अंदर ही बहुत कुछ होता है. देखिए ना, ये बहुत अच्छा, यानी गैर हकी एतबारी वजूद, यानी असल से अलग मगर असल पर इनसार रखने वाला जो हकीकत ना हो, हकीकत के बरक्स मुराद आलम ज़ाहिर या मादी दुनिया है. यानी गैर हकीकी, हकीकत से दूर मगर हकीकत को आया करने वाला, या हकीकत का कायम मकाम, या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. लॉ में मजाज उसको कहते हैं कि आप तो इस बात के मजाज ही नहीं है, यू डोंट हैव अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी समवेयर एल्स, सो इफ़ यू हैव बीन गिवन द अथॉरिटी देन यू आर मजाज, यू रिप्रेजेंट द अथॉरिटी. कभी ए हकीकत मुंतज़र नजरा लिबास मजाज में, अल्लामा इक़बाल, के हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में. तो ये मजाज और हकीकत बड़ा यूज़फुल है, समझ ही गए आप, समझदार लोग हैं. तो इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हैं कि दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स. कि भाई ये शायर कहता है, आरिफ कहता है, सूफ़ी शायर कहता है कि ये आलम जो है ये सूरतों का आलम है और हम सूरतों में रहते हैं. तो इसका मतलब आप फ़ारसी भी पढ़ें, हस्तनीस पे फ़ारसी की बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं. मानी जो है वो दिखाई नहीं दे सकते सूरत से अलावा. मानी मतलब आपकी हकीकत, आपकी रूह है ना, मगर इस दुनिया में वो सूरत के साथ ही हो सकती है. इस पर खैर बहुत खूबसूरत ये मौजू है, आप समझ गए ना बात को. इसी पॉइंट को हम दो हमारे ट्रेडिशन में मजाज और हकीकत भी कहते हैं और सूरत व माना भी कहते हैं. माना मीनिंग द स्पिरिट ऑफ समथिंग और द रियलिटी ऑफ समथिंग. तो अब एक और बहुत ज़बरदस्त सूफी शायर कहते हैं कि जो पूरा जहान है वो सर से पांव तक आईना है और हर जर्रे में 100 सूरज पिना है. तो मानवियत बदल गई ना, कायनात की मानवियत कुछ और है. और अभी बहुत फेमस है शबिस्तरी गुलशन राज देर इज़ नो ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन विच डज नॉट टीच दैट दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ सिम्बल्स, इट कंटेन्स नथिंग विच इज़ नॉट अ सिम्बल. इसके अब मैं कुरानिक बेसिस पे जाऊँगा. Symbolism is the most important thing in existence and it is at the same time the sole explanation of existence. ये मैंने आपके सामने एक concept पेश किया, अब इसकी Quranic roots पे जाएंगे. बहुत ही clear है, मगर अब
क्योंकि हम उसके कुरान को भी हमने ज़ाहिर पे रोक दिया है, और जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड है वो अब समझिए कि जो कुरान सिखाने वाले आया था उससे भी कनेक्शन काट दिया है। मैं खुद ही समझूंगा, तो अल्लाह मियाँ ने उनको भेजा क्यों था भाई, अगर आप ही को सब समझ थी तो। जी 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 सर, इसमें आपने खुद नहीं समझना, आप खुद समझेंगे तो। ये दूसरी है, ट्रेडिशनल वाली है वो भी है, मगर वहाँ एटलीस्ट ट्रेडिशन है ना, और वो उसकी सनद जो है हुजूर तक जाती है, उसमें बहुत एक, इसलिए उसके अपने मसाइल हैं, मगर उसमें फिर भी सही लोगों तक पहुंच जाएं तो उसमें वो बात है अभी, और जो तसव्वुफ है उसमें वो बात और भी ज़्यादा है उधर तो। मगर बात यह है कि ये मदरसा और खानका भी, ये भी अंग्रेज़ों का ओरिएंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अलग थे, ऐसा कभी था ही नहीं। दे वर मोर कम्फर्टेबल इन रीडिंग टेक्स्ट, उन्होंने कहा इस्लाम बड़ा लीगल, उन्होंने लीगल टेक्स्ट पढ़े तो उन्होंने कहा ये लीगलिस्टिक रिलीजन है, विच इज़ अब्सर्ड। आप कह रहे हैं कि उसके जाहिर ही है, इसमें वो स्पिरिट तो हो ही नहीं सकती ना, वो बुद्धिज़्म से आई है, आप हम सब ने वो चीज़ें सुनी है, वो मेन स्ट्रीम ही हो गई सर सैद के फॉलोअर्स में कि ये सारा तो है ही नहीं इस्लाम, ये मतलब है हदी हो गई। अंग्रेज़ों को उन्होंने ऐसे पैरवी की ना। तो अब हम कुरान किस पे आ जाते हैं, हम कि जो कुछ आसमानों और सातों आसमान और ज़मीन में है, जो कुछ भी है इसमें, वही कि सर बसर आईना है, वो क्या करता है, तस्बीह करता है, यानी कि एवरी थिंग इज़ ग्लोरीफाइंग गॉड इन अ सेंस। बुज़ुर्गों ने फिर बताया देयर ग्लोरीफाइंग इज़ मिररिंग द ट्रूथ और बीइंग अ सिंबल ऑफ द ट्रूथ, बिकॉज नथिंग कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द डिवाइन। इसका बहुत अच्छा इस्तारा है सूरज की, सब चीज़ें हैं समझो पोटेंशियलिटी में, इस्लामिक फिलॉसफी में भी ऐसे ही कहते हैं। तो जब सूरज पड़ता है तो वो एग्जिस्टेंशिएट हो जाती है ना, और सारी जो सिफात है वो सूरज की रोशनी की है, अगर हम लाइट का और कलर का सिंबलिज्म लें तो आप समझ सकते हैं। नज़र तो अलग से आ रहा है मगर अगर थोड़ा सा गौर करें तो बहुत खूबसूरत इस्तारा है, और लाइट इटसेल्फ इज़ कलरलेस, बट ऑल द कलर्स वी सी आर ऑफ द कलरलेस लाइट। सो बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस ग्लोरिफिकेशन, सो टू अंडरस्टैंड दिस ग्लोरिफिकेशन यू हैव टू, वो जो आपने आयत पढ़ी थी, वो लोग समझते हैं जिनके पास दिल है, उलुल अलबाब, उलुल अलबाब होते हैं कि जिनमें मगज़ है, मगज़ का मतलब एसेंस है, एसेंस यानी कि रूह है, तो उनकी अगर रूह जागी होगी तो वो हकीकत को देखेंगे। भगवद गीता में भी यही ख्याल आता है, सवाल आता है कि हकीकत इस कायनात में हकीकत है और जो क्रिएशन है वो इल्यूजन है, वो तो था ही नहीं, और हकीकत यानी हस्त और नीस्त का इम्तिजाज है ये दुनिया, और जिसमें वो डिसर्नमेंट है ही इज़ वाइज। तो कुरानी पर्सपेक्टिव भी यही है कि दैट्स व्हाट यू नीड टू डेवलप, और इससे बढ़कर वो जो आईना है हर चीज़, ये तो मतलब इट्स ब्लाइंडिंगली क्लियर कि जहाँ तुम मुड़ो वहाँ खुदा का चेहरा है, मगर हमें तो चीज़ें नज़र आती हैं। तो यही तो भगवद गीता कह रही है कि यही विजडम है कि तुम उसकी जो नॉन बीइंग है उसके थ्रू जो ट्रू बीइंग है उसको देख पाओ, और यही ताल्लुक हकीकत और मजाज का है, और हमारा ट्रेडिशन तो बहुत ही रिच है इस हवाले से, और इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो ही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातें हैं। तो अब ये मेंटली तो समझ ही नहीं सकते ना आप, तो मगर आप देखें कि मजाज का दर्जा कितना ऊंचा है ना। तो अच्छा, ये हकीकत और मजाज का तसव्वुर मैं इसको जोड़ना चाहूँगा कलमा से। इस्लाम की बुनियाद तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो मजाज हो जाता है, कि कनेक्शन कनेक्टर चाहिए ना उस मावरा हकीकत का और इस मुकैद हकीकत का, तो वो रसूल का वो है विच हु कनेक्ट्स एंड देन देयर इज़ द पर्सन।
तो इसलिए हजूर पाक ने कहा जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, वही हकीकत और मजाज होगी। या ये कि जिसने अली को अली का चेहरा देखना भी इबादत है, ये वही हमारा तो ट्रेडिशन भरा हुआ है मगर मेन स्ट्रीम में तो ये बात पता नहीं कहाँ गई। अब इससे भी ब्लाइंडिंग कोई चीज़ नहीं, मेन मैं कह लो कि ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ ना, हम पहुँचेंगे तो आठ तक, मगर ये सब तसव्वुरात का बेसिस एक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। बहुत फेमस है कुंतु, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हदीस है, हदीस कुदसी कहलाती है, कुंतु कंजन मख्फिया इट वॉज एज इफ़ आई वॉज अ हिडन ट्रेजर फह बबतु अन ओरफ, और मुझे ये हुब हुई, आई डिज़ायर्ड कि मैं जाना जाऊँ, फ़लकतुल खल्क बस मैंने कायनात को पैदा किया, ली ओरफ ताकि मैं जाना जाऊँ। सो इन द इस्लामिक ट्रेडिशन द फाउंडेशन ऑफ क्रिएशन आर लव एंड नॉलेज। इस पर भी बहुत ख़ास, बस इस पर कुछ समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, द वाई ऑफ थिंग्स। ये भी बहुत फेमस आयत है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अरबी में पढ़ सकता हूँ वरना अंग्रेजी से भी गुजारा हो जाएगा, बहुत ही कमज़ोर ज़बान है। सनुरीहिम आयातेना, हम दिखाएंगे उनको हम अपनी आयात, फ़ी आफाकी यानी कि होराइजन्स पर, वफ़ी अनफुसिहिम और उनके अंदर, न उनके अपने आप में, इन देमसेल्व्स, हत्ता यतबैयना लहुम, यहाँ तक के उन पे बयन हो जाएगा, वाज़े हो जाएगा उन पे, अन्नहुल हक के ये हक है। चीज़ें दिख रही हैं आपको, मैं दिख रहा हूँ, हक तो नहीं दिख रहा ना, मगर कुरान क्या कह रहा है कि हम उनको दिखाएंगे अपनी निशानियाँ, निशानियाँ फिर मजाज हो गया। अब जो कुछ दिख रहा है वो सारा का सारा आयत कहलाता है ट्रेडिशन में, सिर्फ कुरान की आयत नहीं, आयत का मतलब होता है निशानी, मतलब होल ऑफ क्रिएशन इंक्लूडिंग माई सेल्फ इज़ अ मजाज, इज़ एन आयत फॉर वॉट, हक। अब वो ब्रैकेट्स में उर्दू ट्रांसलेशन पे लिखते कि इट इज़ सो मिस्टीरियस, अन्नहुल हक कि दिस इज़ रियलिटी, हक ट्रूथ लिख देते दिस कुरान, उन्हें समझ नहीं आती। समझ तो अच्छी आती है मगर क्योंकि हम अपनी स्पिरिट से अलग हो गए ना मेन स्ट्रीम में, तो इट इज़ जस्ट देयर एंड इट्स बीन कॉमेंटेड अपॉन फॉर 1400 ईयर्स, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना कि कोई नई चीज़ है। बस ये मैं कहना चाह रहा था, समझ गए, आगे चले, बोर हो गए तो मैं रोक सकता हूँ, अब मेरा मैसेज तो पहुँच गया आपको जी। क्यों नहीं यार, ये तो कौशल साहब से पूछे, ये एक्सपर्ट हैं इस कॉन्सेप्ट के, नहीं सीरियसली कह रहा हूँ, ये रूमी पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, और विजडम टेल्स, स्टोरी टेलर कहते हैं हमें, अभी इनका तारुफ होता है, ये बैठे हैं आप। अब इसका जवाब कभी भी क्या, ये हक कैसे, क्या मुराद है, जस्ट टू क्लैरिफाई कि हक से मुराद खुदा ही है। वमा खलकना समावाती वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने बनाया आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है। कल अब्बास साहब इसको बताएंगे, दिस इज़ द होल कुरानिक, द होल ऑफ कुरानिक कॉस्मोलॉजी, अब हमारे लिए कुरानी बंद बुक हो गई है, इट इज़ मतलब कह दे मैं नहीं सकता मगर इट हैज़ नो मीनिंग फॉर अस दीज वर्ड्स। वी हैव क्रिएटेड द समावात दैट इज़ मल्टीपल हेवंस एंड कुरान इटसेल्फ सेज़ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार्स यू सी, इट इज़ सो क्लियर, किसी दिन कुरानिक कॉस्मोलॉजी बात करेंगे, उसमें कहते हैं कि नहीं, दे आर द स्पिरिचुअल हेवंस जिसमें से हजूर पाक गए थे, बट हमारा क्योंकि इतना मटेरियलिस्ट विजन हो गया हम उसकी फिजिक्स में ही पड़ गए कि वो मिराज कैसे हुई थी, तो कुरानिक द कॉस्मोस में वो फिजिकल तो नहीं थी, क्योंकि कहते हैं कि ये हमने आसमान बनाए, हर को हमने उसका इज़न, उसकी
कुदरत हमने उसको वही की, और ये जो दुनिया वाला आसमान है असमा दुनिया, उसमें हमने चांद सितारे वितारे लगा दिए. तो द कॉन्सेप्ट द वर्ल्ड व्यू इज मच, आपका जो वर्ल्ड व्यू होता है फिर आप उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं ना दूसरी चीज़ों में. अच्छा, ये हो गए आसमान विच इज द स्पिरिट, एंड अर्ज वो जो फिजिकल हो गया, वमा बैना हुमा और उनके दरमियान, ये आलम बरज़ख है. दिस इज़ द कुरानिक कॉस्मोलॉजी विच इज़ कॉमन टू ऑल ट्रेडिशनल कल्चर्स. दिस थ्री वर्ल्ड, त्रिलोक कहते हैं हर ट्रेडिशन में. तो हम में आप में भी है, मेरी एक रूह है, मेरा एक जिस्म है, और इन दोनों के बीच में मेरा नफ्स है, मेरी पर्सनैलिटी जो है, साइकी जो है. तो बात मैं ये नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि हॉल ऑफ क्रिएशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल डाउन टू द फिजिकल एंड ऑल दैट विच इज़ इन बिटवीन, वी क्रिएटेड इट नॉट विदाउट एनीथिंग बट हक. सो द कॉन्टेंट ऑफ क्रिएशन इज हक. कमाल ही नहीं है, 100% इस पे उलमा ने ऐसा ऐसा लिखा है, आप सोच भी, हर चीज़ हमारे पास है. बहुत अब इंटरेस्ट हो तो फिर बताएं. पीसी के साथ एक है इदारा सकाफत इस्लामी, इतनी खूबसूरत किताब है. वहाँ एक किताब है सताआत, वो कभी उसका स्टडी सर्कल रखें, इट्स वेरी चैलेंजिंग बट इट्स वेरी कंसाइस ब्यूटिफुल अबाउट द होल कॉस्मोलॉजी एंड मेटाफिज़िक्स बाय शाह वलीउल्लाह. तो जो ट्रांसलेटर है उन्होंने जो उस पर, वो हमारे ज़माने के स्कॉलर हैं हाशमी साहब, तो उन्होंने जो लगाया ना फुट नोट्स उसमें, खैर चीज़ें तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं जो अवेलेबल है. 100 रुपये की किताब है, एक उर्दू बाज़ार में मिलती है, उसका नाम है फ्यूज़ुल हरमैन विच इज़ लाइक ए स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ शाह वलीउल्लाह. When he was 27 years old, he was already teaching and everything, and also initiated into a Sufi tariqa. क्योंकि ये अलग थे ही नहीं, रूह से अलग कौन सा दीन की तालीम हो सकती है भैया. तो हमारे सारे मदारस में हमेशा तसव्वुफ़ मिलेगा, चाहे देवबंद हो, बरेली हो, या मदरसा रहीमिया जिससे ताल्लुक़ शाह वलीउल्लाह का था, ये सब सूफ़ी थे भाई. और मेन स्ट्रीम में तो वो आउट ऑफ इस्लाम है सूफ़ी, तो मतलब है फिर वो मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी, मतलब है वो आउट ऑफ इस्लाम थे, हद ही होगी. तो वी रियली वी कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम आवर ओन ट्रेडिशन. तो बात क्या हो रही थी, फ्यूज़ुल हरमैन इज़ अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ द 27-28 ईयर ओल्ड शाह वलीउल्लाह व्हेन ही वेंट फॉर टू विजिट मदीना एंड मक्का, एंड देयर ही हैड विजन्स इन बोथ प्लेसेस which were sort of answers to the questions of the time. इसलिए तो उनको मुज्तहिद कहते हैं, और उन्हें फंक्शन मिला रूहानी तौर पर. और बाकी ज़िंदगी उन्होंने सारी किताबें लिखी, वो उन्हीं चीज़ जो उन्हें पर्सनली मिले थे इन कैप्सूल, उस पर पूरी ज़िंदगी उन्हें लगा दी. तो वो देर मोर एक्सेसिबल, आप पढ़ें, नौजवान हैं, उर्दू की है 100 पेज की किताब है, 100 रुपये की है. उसमें ये बहुत चीज़ बड़ी डिटेल में है, कॉस्मोलॉजी भी है, हर चीज़ जो आप अभी बात कर रहे थे उसमें. मौलाना ननोतवी का फुट नोट में आया है सतात की. मौलाना ननोतवी इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ देवबंद. वो कहते हैं कि कोई चीज़ रूह के बगैर हो ही नहीं सकती. कहते तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा मगर अब मैं समझाता हूँ. हुजूर की ज़िंदगी से इतने वाक़ियात हैं, वो मिंबर का रोना, वो जो लकड़ी जिस पे वो, और ये कि हर चीज़ तस्बीह करती है, कभी कभी वो लोगों को सुनाई भी देती रही वगैरह. ये तो एक देखो ना जी, कोई चीज़ खुदा से अलग हो ही नहीं ना सकती, वो एग्जिस्ट ही करना ख़त्म हो जाएगी. तो इट्स अनदर वर्ल्ड व्यू विच वी हैव लॉस्ट, विच वी हैव. दैट्स माय मेन पर्पस इज़ टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस वर्ल्ड व्यू विदाउट विच यू कांट अंडरस्टैंड एनी फैसेट ऑफ आवर सिविलाइजेशन. अब अगले पॉइंट, ये आप काफ़ी हैवी हो गया होगा, ये आप कह लो मेटाफिज़िक्स है. तस्बीह ये कर रही है कि वो आयत है ना, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर रही है अल्लाह ताला की कोई सिफात, कोई भी जो भी हकीकत में जुड़ी होगी तो एग्जिस्ट करेगी ना, वरना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. तो वो रिफ्लेक्शन करेगी या फिर ये कि उसमें अपनी रूह है और वो खुद तस्बीह करेगी, इस पर फिर ये अलग
बैठेंगे कल आप पूछना, डॉक्टर बास हैज अ मच बेटर ग्रिप ऑन दिस थिंग. अब हम रीज़न फॉर क्रिएशन में आ जाते हैं ना, द नेचर ऑफ क्रिएशन इट्सेल्फ. ये मस्जिद वज़ीर ख़ान का गुंबद है, तो इसमें बस एक सिंपल सी बात है कि जो वर्ल्ड है, जो क्रिएशन है, वो हारमोनियस क्रिएशन है, इसलिए उसको कॉस्मॉस कहते हैं. और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें मेरी क्रिएशन में कोई टेढ़ या इनकंसिस्टेंसी नहीं नज़र आएगी. क्यों? क्योंकि ये हारमोनी से बनी हुई है, कोई ऐसी क्योटिक नहीं है. तो इसलिए आप देख रहे हैं आर्ट में भी एक ऑर्डर है, सेवन हेवंस हैं और उसके बियॉन्ड टाइमलेस है. बीच में कुल अल्लाह व अहद लिखी हुई है, विच इज़ द बेसिस ऑफ इस्लाम, इज़ वननेस ऑफ गॉड विच इज़ बियॉन्ड फॉर्म. तो इसलिए एज इफ द हेवंस ओपन एंड यू सी द बियॉन्ड. खैर अब देखें, मैंने काफ़ी देरी कर दी, मगर आप गौर से देखें तो ये आसमान है, ये सितारे हैं और ये लेवल्स में है. दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द इस्लामिक कॉस्मोलॉजी ऑफ द सेवन हेवंस एंड अरेंज इन कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड इन डिसेंडिंग हायरार्की. तो वो ना हो तो आपको समझ ही नहीं आएगी क्या हो रहा है. अब इंसान पे आ जाते हैं. सही बुखारी में हदीस है कि हमने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया, इससे यानी कि आदम इज़ द मिरर ऑफ गॉड एंड दैट एंड द सूफिया से दैट इज़ व्हाट द एंजल्स डिड सजदा टू गॉड बिकॉज इन द मिरर देयर वाज नथिंग बट गॉड हिज क्वालिटीज. ये और ये कैसे प्रूव होता है कि जब हमने उसको बना लिया फिर हमने अपनी रूह उसमें फूकी, यानी कि अल्लाह की तमाम सिफात उसमें आ गईं, तो फिर उन्होंने प्रोस्ट्रेशन की, वरना तो मट्टी का पुतला था. हकीकत और मजाज का आप ताल्लुक देख रहे हैं, हकीकत रूह से आएगी, मजाज उसका सपोर्ट है, लाइक अ मिरर. मिरर में जो दिखता है वो मिरर से ऊँचा है ना कुछ, मगर दिखता मिरर में. हाँ, तो डेकार्ट ने क्या किया कि इस मिरर को ऐसे कर दिया, बोले ना नहीं ये हकीकत है, वो तो रिफ्लेक्शन है, वो तो ऐसे ही है. तो हम उसमें रह ही जा रहे हैं. अब हम आर्ट पे आ जाते हैं, थैंकफुली कमिंग टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन. सर अब आर्ट भी इस पैराए में हम देखेंगे तो क्या होगा. पीछे आप देख ही रहे हैं, इट्स अ स्क्रीन विच शोज अ सर्टन हार्मनी एंड ब्यूटी एंड क्रिस्टलिनिटी एंड एज इफ लाइट हैज़ बीन क्रिस्टलाइज्ड. You can see through it, but you can also see it. इस वे बहुत खूबसूरत है. ये आयने अकबरी में अबुल फजल अकबर के कोर्ट के जो नौरतन थे वो लिख रहे हैं इन द चैप्टर ऑन कैलीग्राफी. वह पढ़ना बहुत कमाल है, उसमें पहले पूरा फलसफा बयान होता है. मजाज के पर्दे में हकीकत से पर्दा उठाता है, दैट्स द डबल रोल ऑफ मजाज ना, पर्दा भी है मगर दिखाता भी है, लाइक द स्क्रीन बिहाइंड. मजाज is a metaphor, is a way, as a veil which reveals reality or haqeeqat or haq, unveiling the underlying unity and harmony of creation, which reflects the unity and perfection of the creator. जो हम बातें कर रहे थे Quranic perspectives. तो रात का आसमान देखें तो असल में ऐसा है, हम शायद ये time lapse photograph है 3-4 घंटे की, net से मैंने लिए, of the night sky. It has a center. It has these circles because of reason तो simple है, क्योंकि दुनिया घूमती है और उसका एक axis है और वो axis north star में रहता है हमेशा. ये अल्लाह ताला ने ऐसा इसको पूरा system बनाया. हाँ सर, तो फिर एक जो चीज़ मैं समझ आती है कि मजाज, फिर मजाज का मकसद क्या था, हकीकत से पर्दा उठाना. वो एक तो इम्तिहान लेना हमें समझ आता है, ये तो इसलिए अल्लाह ने ये हम उस साइड पे नहीं जा रहे ना, वो तो लाजमी है निजात के लिए, मगर अल्लाह ताला ने हमें अक्ल शरीफ भी तो दी है. एक तो है ना ब्लाइंड फेथ, एक है कि हज़रत अली ने कहा कि मैं ऐसे खुदा की इबादत ही नहीं करूँगा जिसको मैं देख ना सकता. फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या मतलब है इसका, कि जो 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 कुलूम है वो फेथ की गहराइयों की नस्बत से उसको देख सकते हैं, जितना उनमें सफाई होगी. इस ये पे पूरा रूहानियत की बातें शुरू हो जाएंगी, बाद में कर लेंगे. ये बहुत इस्टेब्लिश्ड, इसके जो आपका सवाल है उसका जवाब बहुत कवी है हमारे ट्रेडिशन, हुजूर की ज़बान से ही आता है, मैं नहीं बना रहा. अच्छा तो आप कुछ कह रहे हैं, तो ये समझ आ गई नॉर्थ स्टार. तो
तो फिर आपको इठट्ठा, अगर कोई सिंध से है तो इठट्ठा की जामा मस्जिद आपको बेहतर समझ आएगी। इट्स जो ऐसे हमें सब बिखरे में से तारे नजर आ रहे हैं ना, मगर द कॉन्सेप्ट इज के नो देयर देयर इज सर्टेन हार्मनी हायरार्की एंड दैट हार्मनी एंड हायरार्की इज इन फैक्ट इन द स्पिरिचुअल रियल्म, बट रिफ्लेक्शंस ऑफ इट कैन बी फाउंड इवन इन द फिजिकल। अभी हमने देखी थी पिछली, और ये कि आसमान यूं घूमता है, इधर उन्होंने स्पायरल बनाया हुआ, मजे का है ना। एंड बाकी चीज तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सो ब्यूटीफुल। ये शाहजहां ने प्रेजेंट की थी टू द सिटी ऑफ ठट्ठा, बिकॉज व्हेन ही वाज रिबेलिंग अगेंस्ट हिज फादर ही हैड टू रन टू ठट्ठा टू टेक, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के गवर्नर ने उसको पना दी, तो जब वो बादशाह बन गया उसने फिर ये प्रेजेंट दिया। मेरे से बहुत टाइम हो गया है, तो आर्किटेक्चर, सारे ट्रेडिशंस में आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड symbols of the cosmos, the it is a symbol of creation. ye aap matlab it goes without saying, ye chahe buddhist ho christian ho, yani ke ha it reflects heaven and it reflects the harmony of the world because the world also reflects heaven. hindu pe bhi yahi hai, iska bada astara bada aasan hai to understand. this demon who's lying face down, vastu purush kehte hain, it is just chaotic matter. matter on its own is formless matter in conceptually the basis of manifestation. so the angels jisko kehte devas, deva ka wahi matlab beings of light, jisse aata hai loves diya deep. so the angels of light jo aasmanon mein pattern hai wo is demon ko पे छाप देते हैं, उसको केओस को कॉस्मोस में चेंज कर देते हैं। तो ये बस हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। हजूर पाक की हदीस अपेरेंटली आती है, इसकी सोर्स मुझे नहीं पता, बुक में पढ़ी थी कि जो अर्श है ना, दैट इज द अर्श खुदा, द थ्रोन ऑफ गॉड इज द विच इज इन द सेंटर ऑफ पैराडाइज विद द फोर रिवर्स ऑफ पैराडाइज कमिंग फ्रॉम बीनीथ इट। तो ये अब पैराडाइज गार्डन भी और तरह समझ आएगा। बट द मेन पॉइंट इज के जो ट्रेडिशनल पर्शनेट आर्किटेक्चर की, इनफैक्ट यूनिवर्सली आर्किटेक्चर की जो बेसिस है वो ये प्लानफॉर्म है। दिस इज डिवेलप्ड बाय सर्कल, देन फोर, अभी दिखाता हूँ, फोर स्क्वेयर्स ऐसे और फिर एक रोटेटेड, वो एट पॉइंटेड स्टार बनता है। तो जहाँ वो कट करता है तो ये ऐसे ये डिवाइड हो जाता है। तो ये जो स्पेस है ये बड़ी होती है, ये डबल स्टोरीड होती है और सेंटर में गुंबद होता है, या अगर घर होगा तो सहन होगा और आसमान होगा, समझे आप। इसका नाम क्या है, हश्त बहिश्त, आठ जन्नतें, उसके नाम में ही है कि इट्स अ सिंबल ऑफ पैराडाइज। तो ये इस तरह बनता है, ये इसकी टिपिकल फॉर्मेशन है इन आर्किटेक्चर। क्लियर हो गया। NCA के पीछे एक बारादरी की भी देख लें, तो मस्जिदें अमूमन इतना इसका कोटेशन लेती हैं, कहीं इतनी कोटेशन होगी, बट यू ऑलवेज सी इट प्रेजेंट देयर। क्या इसका है कि जी ये जो कार्डिनल कह लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो डबल स्टोरीड होंगे, कॉर्नर्स डबल नहीं डबल हाइट होंगे ये, सॉरी कार्डिनल्स, और ये डबल स्टोरीड होंगे। अंदर भी जाहिर है, फिर अंदर की जो स्पेस है ये भी डबल हाइट होगी। पवेलियन होगी तो डोम होगा, घर होगा तो आसमान होगा, सहन होगा, और मज़ार होगा तो डोम बाहर भी नज़र आएगा। ये लोहारी में जहाँ वो निहारी मिलती है, थोड़ा सा गली में आगे जाएं तो ये लाल हवेली है, इसमें भी यू कैन सी इट। क्योंकि ट्रेडिशनल आर्ट में कोई ऐसे ही कुछ नहीं होता है ना, उसका कोई तरीक़ेकार होता है। थक गए तो ये दोनों बातें हो गई ना। अब आखिरी बात है, क्या जो फॉर्म है उसके कुछ असूल हैं, जो हमने अचीव करना है वो कमाल या परफेक्शन अचीव करना है, और परफेक्शन में दो पहलू होने चाहिए, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट और एक फ्लो का एलिमेंट, जलाल और जमाल के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे ट्रेडिशन में, क्राफ्ट्समैन हमारे टाइम मैंने इस्तेमाल करते रहे,
یعنی کوئی اسٹڈی کی ہے اس حوالے سے. تو یہ ملتان کے استاد کی ڈرائنگ ہے 1970s کی. اس میں پروپورشنالٹی جو ہے وہ اسٹرکچرنگ ایلیمنٹ ہے, مگر اس کی کوئی بھی چیز سیدھی تو نہیں ہے, سب فلو میں ہے, مگر اس کے پیچھے ایک اسٹرکچر ہے. جتنا یہ ہے اس کے تین حصے کی ہیں, ایک تہائی جو ہے وہ یہ چوڑا ہے, ہاف اونچا ہے, پھر اتنا ہی اونچا یہ ہے. اب اگلی ڈرائنگ صرف اس ایلیمنٹ کی ہے. اینڈ ہیئر یو کین سی اے تھاؤزینڈ ایئرز آف ڈیولپمنٹ. ایسے تھوڑی مستری ان پڑھ تو نہیں ہے, ان پڑھ سے مراد جو ہم جس معنی میں لیتے ہیں. دس از اے نالج وچ از ہینڈڈ ڈاؤن. یہ بڑی ایلیکوینٹ خود ہی بول رہی ہے. اس کے پھر چار حصے کیے ہیں, اس کے بارہ حصے کیے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کہ اور یہ پیچھے ہے, جیسے ہماری باڈیز ہیں باہر تو سارا فلو ہے مگر اندر ایک اسٹرکچر ہے. تو پتہ چلا کہ یہ کائناتی اصول ہے. تو اسلام انسان کا احساس اور دماغ بھی سیٹسفائی ہوتا ہے, سب کانشیسلی کہہ لو جو ہے. اور اس میں ایک دائمیت ہے کیونکہ ہم سے بہت بڑے اصول ہیں یہ. تو یہ خطاطی میں بھی پروپورشنالٹی, یہ پوائنٹ میرا ہے کہ پروپورشنالٹی از ٹو بی فاؤنڈ اینی ویئر ایوری ویئر. جو میں نے کہا تھا کہ جو عالم بالا ہے وہ سورس ہے بیوٹی کی, اور دا سورس آف بیوٹی از پروپورشنالٹی. وہ ہم نے دیکھ لی. ہم اینڈ میں اس پہ کروں گا. یہ مغل بلڈنگ ہے, سوری ایک سمپل سی دکھاتا ہوں, بادشاہی مسجد آپ سب دیکھتے ہیں. تو ہمیشہ جو پروپورشنالٹی یا ہے اس کا آرگنائزیشن ہول سے شروع ہوتا ہے, اس وادت کو ہم ہارمونیسلی ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اصل میں پلر, اس کے مینار ہیں جو نظر نہیں آ رہے, اصل میں ہیں مینار ہے نا, تو وہ ہمارا ہول ہے. یہ آپ کو پتہ ہے جو اس کا جو گرامر کا سلسلہ ہے, یہ جو روٹیٹنگ اسکویئرز ہیں ان کو کہتے ہیں ختم سلیمانی, دا سیل آف سولومن, بیکاز دس انکیپس اٹس اے سمبل آف آل دا اسینشیل کوالٹیز آف کریشن. کسی دن اس پہ بات نہیں کریں گے. یعنی کہ دا فور ایلیمنٹس ایئر واٹر فائر اینڈ earth and the four qualities hot cold dry and moist. اب اس کے اندر انسکرائب کیا, پھر اس کو روٹیٹ کیا, ٹھیک ہے نا, پھر اس کے اندر انسکرائب کیا اور اس کو روٹیٹ کیا, تو وی کم ٹو دا بلڈنگ. سو دیر بیسیکلی ایک دو تین چار, تو یہ ہاف ہے اس کا. اس میں ایک ردم چلتی ہے اس الگ, تو اس میں ہاں سرکل لگائیں تو یہ سارے جو فینیلز ہیں یہ سرکل ہیں. وین یو گو دیئر یو انٹویٹیولی فیل کہ ادھر کچھ ہو رہا ہے, تو واقعی ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں نا, اسی چیز کو آگے لے جاتے ہیں. اگلے جب سٹیپ پہ جائیں گے تو یہ ہائٹ آف دا ایوان, اس کو روٹیٹ کریں گے تو جہاں یہ کٹ کر رہے ہیں وہ ہشت بہشت والا جو سین ہے اس کی چوڑائی آ جائے گی. یہ دیکھیں جہاں وہ کٹ کرتے ہیں ان کو مارک کیا ہے بلو ڈاٹ سے. تو اب آپ لوگ آرٹ کے اسٹوڈنٹس تو نہیں ہیں, مگر آرکیٹیکچر کالج میں ہر آرکیٹیکچر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے, ایک لفظ ہے جو گوئٹے نے بولا تھا کہ آرکیٹیکچر از فروزن میوزک. بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا, مگر ہم یہ بھول گئے کیسے ہے. اتنی فنی فنی ایکسرسائزز کراتے ہیں آرکیٹیکچر سے, میوزک سنو اور جیسے جو بھی ہیں. تو اصل میں جو کامن تھنگ از پروپورشنالٹی, اٹس مور ایبسٹریکٹ. پروپورشن ان ساؤنڈ از میوزک اینڈ پروپورشن ان اسپیس از آرکیٹیکچر. تو بس یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اور اب یہ آپ کو اس کے بعد مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں آج کیوں انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ جو چیز یا جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹائمس, اٹ از ٹائم لیس. سو دیئر فور اپنا ایک پروجیکٹ پہ ختم کرتا ہوں. اینڈ اٹ از میننگ فل بیکاز اٹ از الٹیمیٹلی اے مرر آف آر سیلوز. اٹ از ٹو نو آر سیلوز بیکاز اٹس دا سیم ریالٹی وچ از فاؤنڈ ان بوتھ. اور یہ ہمارے سارے آرکیٹیکٹس ہیں, ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے,
तो जो हमसे सीख रहे हैं थैंकफुली, तो ये अब ये बिल्डिंग है जो हमने डिज़ाइन की है, सल्ली टाउन मॉस्क। इसके अंदर है। अब ये क्यों हो सकती है कि वो जो सब ऑल्टर्न है ना, जो है ही नहीं, वो हैं मिस्त्री अभी तक है। मेरे अपने उस्ताद थे जो 7 जनरेशन उनकी लड़ी थी, अब उनका पोता मुझसे सीखने आ रहा है, वो मेडिसिन पढ़ रहा है, मगर उनके वालिद और चचा लेके आए कि जो फैज आपने हमारे वालिद से लिया था अब इन्हें दें। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कुछ। जब से पाकिस्तान बना है तो वाकई हमने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी ना बचे। तो हम लोग, हमारे इदारे का मकसद यही है कि जो लोग पुरानी उलूम से ताल्लुक़ रखते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और हम ख़ुद भी उसकी खोज करें। ये साइड डोम है, सेंटर डोम आपने देख लिया। थैंक यू वेरी मच for your patience. आखिर में सॉरी कि इस सब का मकसद कोई सिर्फ सेरिब्रल नहीं है, ये ब्यूटी बन ही नहीं सकती जब तक आप अपने अंदर कल्टिवेट ना करें रूह को। वो है ना जो भगवद गीता ने कहा था, यू हैव टू डिवेलप दैट डिसर्नमेंट। सो ट्रेडिशनल आर्ट इज रिलेटेड टू सिम्बलिज्म एज रिगार्ड्स इट्स फॉर्म, हमने देख लिया बामानी फॉर्म्स हैं, and to spiritual realization as regards its practice. The artist in fashioning the work, the form, fashions himself. ये unsaid, बल्कि said भी, all traditional civilizations में काम जो होता है वो उसकी एक मुकद्दस हैसियत होती है। ये understood है कि जो तज़किया नफ्स से खताती जुड़ी हुई है, 80% of the खताती were Sufis. That's a fact, जो scholars ने study किया है, क्योंकि वो सेक्रेट टेक्स्ट है ना। तो ये उस क्लोजिंग द सर्कल कि अल्टीमेटली आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बस ये कहना चाह रहा हूँ। और इसलिए मेरे उस्ताद ने कहा कि इंसान, हाजी अब्दुल अजीज़ मरूम, उन्होंने कहा कि इंसान बे उस्तादा ते बे पीरा नहीं रह सकता। उस्ताद से फ़न सीखेगा ताकि कमाई कर सके, ज़िंदा रह सके, और पीर से सीखेगा बंदा बनना, जिस वजह से हम इस दुनिया में भेजे गए। तो ये कैसे हो सकता है कि जो मैं काम करता हूँ वो उसका कोई ताल्लुक़ ही ना हो मेरी रूहानियत से, जिसके लिए मैं भेजा गया हूँ। और पोस्ट सर सैयद, ये दो हिस्सों में बट गए ना, अब हमारे काम की और दुनिया की कोई मानियत मानवियत ही नहीं रही। मतलब जस्ट टू क्लोज द सर्कल आई वॉन्टेड टू से दिस, थैंक यू। जी सर, इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। जस्ट वॉन्टेड टू एड कि आपने सारा आर्किटेक्चर एंड इस्लामिक आर्ट की बात की, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इफ यू मेरे माइंड में आई, इफ यू लुक एट द ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मस्जिद नबी, जो अंदर उसका सारा स्ट्रक्चर और टॉम्स है, उसमें जो पुराने आयात को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है, वो स्ट्रक्चर जब बाद में सऊदियों ने एक्सपेंशन की वहाँ पे, वो चीज़ें बोल दो उन्होंने खूबसूरत बनाया, लेकिन वो सारा जो एक जो ऑटोमन ने मेंटेन किया हुआ था ना, वो जिस तरह उन्होंने कुरानी आयात को जिस खूबसूरती से, जिस आर्टिस्टिक स्किल से दिखा गया, मतलब वो इट्स अ मार्वेलस ब्यूटी। मतलब एक तो वो जगह है, इज द बेस्ट प्लेस इन द एंटायर यूनिवर्स, और फिर जो उन्होंने जिस खूबसूरती उस अकीदत से भी लिखी ना, और आई थिंक उसको आर्किटेक्चर इस्लामिक आर्ट के बगैर हम समझ भी नहीं सकते। देखिए ना, आपको इंट्यूटिवली पता है कि जो अब नया काम हुआ उसमें स्पिरिट है ही नहीं, चाहे सोना लगा दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं हो सकता। फैमिली ऑफ मुगल पीरियड आर्किटेक्ट्स हु वर एट द टॉप ऑफ द इंटेलेक्चुअल मिलियू ऑफ द प्लेस, दे वर मोर टीचर्स देन आर्किटेक्ट्स।